बस बाल बाल बच गई मोदी सरकार, वरना सच पूछिए तो कंगना भारत रत्न की हकदार थी। असल हकदार कंगना कोई भारत रत्न से कम थोड़े ही ना है। इस देश में तो एकमात्र इतिहासकार वही बची हैं। सारे इतिहासकार एक तरफ और पद्मश्री कंगना रनौत का इतिहास एक तरफ। बहुत जोर का इतिहास जाग रहा था मैडम के भीतर, साफ सुथरी जगह देखी और ज्ञान का रायता फैला दिया। इस देश में बस एकमात्र देश प्रेमी बची है, बाकी लोग तो ठहरे देशद्रोही। असली देशभक्ति तो कंगना के भीतर हिलोरे मार रहा है। लोहे के घोड़े पर तबड़क तबड़क करने वाली झांसे की रानी की देशभक्ति का नमूना देखेंगे तो माथा पकड़ लेंगे, क्योंकि झांसी की रानी ने तो भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी और झांसे की रानी भारत को मानसिक दिवालिया बनाने पर तुली है। उन्हें कोई भी करेक्ट करता है तो उससे लड़ जाती। कंगना के मुताबिक देश को 1947 में जो मिला वो तो बस भीख था, असली आजादी तो 2014 में मिली। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। बस यहीं पर समझ और संस्कारों का महीन फर्क हो जाता है। दिमागी दिवालियेपन की यह चरम सीमा थी कंगना रनौत की। शुक्र है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद सबका योगदान देश में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी बड़ी लकीर खींच चुका है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और दोटकिया ज्ञान वाली झांसी की रानी नहीं समझ पाएगी और ना ही इन सस्ते ज्ञान से कभी लकीर वो मिटा पाएगी। बचपन से ही हमने सुना अधजल गगरी छलकत जाए, कंगना को देखकर ये भ्रम यकीन में बदल गया। वैसे ड्रामा क्वीन ने इस अवार्ड के लिए कितना ड्रामा और कितना माहौल बनाया वो भी जरा देख लीजिए। बेचारी नकली घोड़े पर दौड़ लगाई, भक्ति काल में चरण चाकरी की सारी सीमाएं लांघती गई, बस चलता तो पांव धोकर भी पी लेती। कितनी रंगोलियां बनानी पड़ी, कितनी जलालत झेलनी पड़ी, सावरकर की काल कोठरी में टेक मारकर बैठना पड़ा, कितना धूल फांका कंगना ने, तब जाकर पद्मश्री के लिए नॉमिनेट हुई। कंगना के सस्ते ज्ञान पर वरुण गांधी ने उन्हें जोर का लपेटा। वरुण गांधी ने लिखा, कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारे का सम्मान, और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी का तिरस्कार। इस सोच को मैं पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह, इस देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बनने से बस एक ही फायदा हुआ है। देश को पहली चीज ये पता चल गई कि आजादी 99 साल की लीज पर मिली है और दूसरे की असली आजादी 2014 के बाद में। असली देशभक्त कंगना की खांटी देशभक्ति का एक सबूत आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए देखिए, वैसे झांसे की रानी के इस पावन ज्ञान पर चंद सवाल भी पूछना चाहते हैं हम। 2008 और 2014 में जो उन्हें नेशनल अवार्ड मिला, क्या वो भी एक भीख था? खैर, बददिमाग और बदमिजाजी पर भी देश में पद्मश्री मिल सकता है, ये देश ने आज देख लिया और कंगना रनौत इसका सबसे बड़ा सबूत है।